सुमित्र भुल्लर को दोबारा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर यूथ कांग्रेस बागेश्वर द्वारा खुशी जताई गई। इस मौके पर खुशी में झूमे कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया, कहा कि भुल्लर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें दोबारा जिम्मेदारी मिली है तथा इससे संगठन पहले से और अधिक मजबूत होगा। आज लंबे 3 महीने के चुनाव परिणाम जो आए आज यूथ कांग्रेस के और पुनः प्रदेश में माननीय सुमित्रा भुल्लर जी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस उत्तराखंड बने, इसी के उपलक्ष्य में आज उसी की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी सीनियर हमारे जिला अध्यक्ष लोकमय पाठक जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज हमने आतिशबाजी और स्थान वितरण कर खुशी दर्ज करी है। हमें पूर्ण उम्मीद थी पहले से ही कि एक अच्छा युवा जो पूरे उत्तराखंड में युवाओं की और जिन्होंने लगातार कोरोना काल हो या उसके बाद की लड़ाई हो जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ उठाने का कार्य किया था, वह दोबारा प्रदेश में उत्तराखंड में युवाओं की आवाज़ बनकर दोबारा आए हैं और प्रदेश में युवा कांग्रेस की उनको पुनः जिम्मेदारी मिली है, निर्वाचित होकर इलेक्शन जीत के आए हैं। इसी खुशी में आज हमने यहाँ पर बागेश्वर सभी लोगों ने मिलकर एक स्थान वितरण और आतिशबाजी का प्रोग्राम किया था, आज वही हमने यह प्रोग्राम यहाँ पर मनाया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि युवाओं की आवाज़ लड़ने का काम वो जारी रखेंगे जिस तरीके से इन्होंने पूर्व में भी कार्यकाल उनका रहा है। इसी शुभकामना के साथ हम उन्हें पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी के चुनाव का परिणाम घोषित किया जा चुका है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे युवा कार्यकर्ता युवा कांग्रेस बड़े जोशों खरोश के साथ चुनाव लड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो पूर्व आज तक प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं श्री सुमित भुल्लर जी पुनः कार्यकर्ताओं का द्वारा उनको प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस चुना गया है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे जनपद बागेश्वर से गोकुल परियार अध्यक्ष रूप में और भीम कुमार उपाध्यक्ष रूप में चुने गए हैं उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिन जिन ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के प्रचार प्रसार हेतु, कांग्रेस के सिद्धांतों को मानते हुए, उन सबको मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वो सब एकजुट होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। आज का समय युवाओं का है, युवाओं में जो जोशोश खरोश आज जनपद बागेश्वर में देखने को मिला तभी के जोशी के नेतृत्व में पूर्व जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने यहाँ पर पटाखे चलाए गए, मिष्ठान वितरण किया गया और हर्षोल्लास के साथ उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। आने वाले समय में इसी के साथ वो कांग्रेस मजबूती से साथ कांग्रेस को मजबूत काम करने का काम करेगी। मैं सभी चुनाव लड़ने वाले जीतने वाले सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल हो, कांग्रेस को मजबूत करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।